हेलो फ्रेंड्स, ऊंट को तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूँ। ऊंट बिना पानी पिए बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। हालांकि ये जब पानी पीते हैं तो एक बार में 150 लीटर तक पानी पी सकते हैं। माना जाता है कि ऊंट अपने शरीर का सारा पानी अपने कूबड़ में जमा करके रखते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। दरअसल इसके कूबड़ में पानी नहीं बल्कि वसा जमा होता है, जो कि शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग रेगिस्तान में वस्तुओं को लाने और ले जाने में किया जाता है। इनके कूबड़ में जमा वसा जरूरत पड़ने पर भोजन और पानी के रूप में बदल जाता है। ऊंट के पलकों में 3 परत होती हैं, जो उन्हें रेगिस्तान के धूल से बचाती हैं। इनके देखने और सुनने की क्षमता भी अधिक होती है। ऊंट की ऊंचाई लगभग 7 फुट तक होती है। ऊंट एक शांत प्रजाति का जानवर है। शायद इसी वजह से अरब संस्कृतियों में ऊंट को धैर्य, सहनशीलता और धीरज का प्रतीक माना जाता है। ऊंट दिखने में बड़े धीमे होते हैं, लेकिन ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ऊंट शाकाहारी होते हैं और ये पत्ते, पौधे, फल, फूल आदि खाते हैं। ये 400 किलोमीटर का वजन उठाकर चल सकते हैं और ऊंट के बच्चे पैदा होने के कुछ घंटों बाद ही चलना शुरू कर देते हैं। एक ऊंट का जीवन काल 40 से 50 वर्ष तक का होता है। एक ऊंट आमतौर पर एक दिन में 40 किलोमीटर यात्रा कर सकता है। इनके मुंह 2 भाग में बटे होते हैं, ताकि ये अपने भोजन को प्रभावी तरीके से चबाकर खा सकें। हम इंसानों के शरीर से अगर 15% पानी कम हो जाए तो हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, लेकिन ऊंट के शरीर का 25% पानी खत्म होने हो जाए फिर भी वो डिहाइड्रेट नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।